आगे चलने से पहले हम कल का थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था, लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था हमने, जरा बता क्या पढ़ा था लास्ट क्लास में। हैंड रेस करो, जो हैंड रेस करेगा मैं उसका नाम बोलूंगा, वो बोलेगा हमने क्या पढ़ा था लास्ट क्लास। शाबाश शाबाश शाबाश, लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था शाबाश, जरा हिमांशी आप बताओ क्या पढ़ा था सर, जल्दी। हमने पढ़ा था फिजिकल क्वांटिटी, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी और चेंजिंग पढ़ा था, क्वेश्चंस करे थे उसका। हाँ हाँ जरा बताओ ये टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी कौन कौन सी है, आप बताओ। मोहम्मद आफ्ताब, आफ्ताब बताएगा आफ्ताब। सर फंडामेंटल क्वांटिटीज, हाँ डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज एंड हाँ सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज। और वेक्टर, स्केलर, रेशियो। यस सर। हाँ और क्या पढ़ा था हमने, हाँ सर आपने कन्वर्जन्स के बारे में पढ़ाया था हमें। गुड गुड। तो मतलब हाँ सिस्टम ऑफ यूनिट्स भी पढ़ाया था ना, यस सर। गुड। तो हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, उसकी डेफिनेशन पढ़ी थी, उसका कंसेप्ट सारा पढ़ा था, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी पढ़ी थी, उसमें क्या क्या पढ़ा था, हमने रेशियो पढ़ा था, हमने स्केलर पढ़ा था, हमने वेक्टर क्वांटिटीज पढ़ा था, हमने फंडामेंटल क्वांटिटीज पढ़ा था, हमने डिराइव्ड क्वांटिटीज पढ़ा था, इनके एग्जाम्पल्स भी दिए हमने। और उसके बाद पढ़ा था हमने सिस्टम ऑफ यूनिट्स, यानी कौन कौन सा सिस्टम ऑफ यूनिट्स है जो हम यूज करते हैं जो है हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी उनको मेजर करने के लिए। तीन थे, CGS, MKS एंड FPS पहले। अब जो सबको मिला के जो हमने स्टैंडर्ड SI सिस्टम इस्तेमाल किया जो पूरी दुनिया में चलता है उसको हम बोलते हैं SI सिस्टम, है ना, SI सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो और हमने क्या पढ़ा, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज में कौन कौन सी आती है, हमने बोला कि सात फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज होती है, कौन कौन सी होती है जरा बताओ मेरे साथ रिपीट करो, कौन कौन सी होगी। शाबाश, कौन सर कौन सी मास, होती? लेंथ, हाँ मास, सर लेंथ, मास, लेंथ, टेम्परेचर, प्रेशर, ल्यूमिनस मोल ऑफ इंटेंसिटी, सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। गुड गुड गुड। तो ये सारे हमने पढ़ी थी, और हमने पढ़ी थी सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी कौन कौन सी है जरा बताओ। सर प्लेन एंगल, प्लेन सॉलिड एंगल एंड सॉलिड एंगल, एंगल। जरा मुझे इनमें से इस क्वेश्चन को कौन सॉल्व करके देगा मुझे, पहले हम क्वेश्चन पढ़ेंगे ठीक है ना। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स, यानी जो यहाँ पे तीन तीन फंक्शंस दी हुई है, तीन तीन फंडामेंटल क्वांटिटीज दी हुई है ठीक है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स, जो हमारे पास ये एक सेट दिया हुआ है लेंथ, मास एंड वेलोसिटी, लेंथ टाइम एंड वेलोसिटी, मास टाइम एंड वेलोसिटी, कैन नॉट एंटर इनटू द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज, इनटू द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज इन एनी सिस्टम ऑफ यूनिट्स, इन एनी सिस्टम ऑफ यूनिट्स। बताओ कौन सा सिस्टम, कौन सा सेट है यहाँ पे, कौन सा सेट है यहाँ। शाबाश शाबाश, ट्राई करो, क्या लग रहा होगा क्या होगा। शाबाश शाबाश, ठीक है। देखो मैं बता देता हूँ, आपको समझ ही नहीं आया कुछ मत, मैंने बोला था ना पहले ही, मैंने बोला था फंडामेंटल क्वांटिटीज होती है वो क्वांटिटीज जिनको हम डिराइव किससे नहीं करते हैं, है ना, जिनको हम डिराइव इसी से करते हैं, जो क्या होती है इंडिपेंडेंट होती है, क्या होती है इंडिप इंडिपेंडेंट। देखो यहाँ पे हमारे पास चार सेट दिए हुए, देखे पहले लेंथ, ये है ना फंडामेंटल क्वांटिटी, दूसरा मास है ना, ये भी तो है ना फिर फंडामेंटल क्वांटिटी, वेलोसिटी है नो सर, नो मत है सर, मत है, गुड, बट इसको हम फंडामेंटल क्वांटिटी मान सकते हैं, जरा बताओ कैसे। सर, ये क्योंकि यहाँ पे जो दो वैल्यूज दी हुई है, लेंथ और मास, वेलोसिटी उन पे डिपेंड नहीं कर रही है। गुड गुड गुड, ये लेंथ और टाइम पे डिपेंड कर रही है ना, ये लेंथ एंड मास दोनों पे डिपेंड नहीं कर रही है, बल्कि ये किस पे कर रही है, लेंथ और टाइम पे डिपेंड कर सकती है, तो इसको हम मान सकते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी, क्योंकि हमें पता है, हमें दुनिया में पता है सात फंडामेंटल क्वांटिटीज है। लेकिन ये जो है ना, ये क्वेश्चन ये नहीं पूछ रहा हमें उन सात के बारे में, ये पूछ रहा है जो यहाँ पे सेट दिए हुए, बताइए आ सकते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी के नहीं, बाकी दुनिया को भूल जाओ, बाकी दुनिया को भूल जाओ, बाकी सारी फंडामेंटल क्वांटिटीज को आप भूल जाओ, आप बोलो जो मेरे पास यहाँ पे तीन फंडामेंटल क्वांटिटीज आपको लिस्ट हुए है, ये तीनों फंडामेंटल क्वांटिटीज हो सकती है कि नहीं हो सकती, आपने क्या पता है, आपको पता है फंडामेंटल क्वांटिटीज वो होती है जो इंडिपेंडेंट हो, है ना, जो इंडिपेंडेंट हो। तो मैंने पहले बोला लेंथ,
लेंथ तो इंडिपेंडेंट है ही, मास ये भी इंडिपेंडेंट है, और वेलोसिटी क्या है ये डिपेंडेंट है, बट ये लेंथ और टाइम पे डिपेंडेंट है ना, लेंथ और टाइम। लेंथ यहाँ पे डिपेंड डिराइव किया हुआ है लेकिन टाइम नहीं दिया हुआ है, दैट मीन जो ये वेलोसिटी है ना इसको भी हम फंडामेंटल क्वांटिटी मान सकते हैं इस सेट के लिए, इस सेट के लिए। ठीक है, यह सबको समझ? यस सर। ओके सर, अब लेकिन ये जो वेलोसिटी है ये तो किसी और चीज पर डिपेंडेंट है ना, चाहे किसी पे भी हो, तो फिर हम ये फंडामेंटल, ये भी तो डिराइव नहीं आती है। मैं तो वही बोल रहा ना, मैं बोल रहा हूँ कि फंडामेंटल क्वांटिटी होती है जो इंडिपेंडेंट हो। हमें दुनिया में पता है, दुनिया में हमें पता है कि हमारे पास एग्जिस्ट कर रही है 7 फंडामेंटल क्वांटिटी जो किसी पे डिपेंड नहीं कर रही है ना। बट ये क्वेश्चन जो है ना, ये आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए ये मैंने यहाँ पे रखा है। आपको कन्फ्यूज नहीं होना है, आप देखो कि आपको नहीं सोचना है कि हमने क्या पढ़ा है, कौन कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटीज है, आपको ये नहीं पढ़ना है। आप भी यहाँ पे मान लो, समझ लो कि हमने कुछ नहीं पढ़ा है, हमने बस इतना पढ़ा है कि फंडामेंटल क्वांटिटीज होती है जो किसी पे डिपेंड नहीं कर रही। ठीक है, किसी नून क्वांटिटी पे जो हमारे पास पता हो क्वांटिटी, उस पे डिपेंड नहीं कर रही है। ठीक है, आपको मेरी बात समझ में आ रही है? राइट, हेलो। यस सर, लेकिन सी ऑप्शन में भी तो कुछ ऐसे ही है ना, टाइम है, तो हम सी ऑप्शन भी तो राइट कह सकते हैं। हाँ राइट भी है, सी ऑप्शन भी राइट है ना, ए भी राइट है, सी भी राइट है। अब देखो डी भी राइट है, लेंथ मास एंड टाइम ये भी राइट है ना, लेकिन यहाँ पे बोल क्या रहा है, यहाँ पे बोल रहा है सेट्स कांट इंटर, कांट इंटर, कांट इंटर। अब देखो लेंथ एंड टाइम एंड वेलोसिटी, वेलोसिटी इज दैट क्वांटिटी व्हिच डिपेंड्स लेंथ एंड टाइम, यानी ये इस पे भी डिपेंड कर रही है, इस पे भी डिपेंड कर रही है, दैट मीन्स यहाँ पे ये फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं मानी जाएगी। अब आई बात समझ, तो ये वाली ऑप्शन करेक्ट, तो ये वाली ऑप्शन करेक्ट है इन तीनों में से। ठीक है, ओके सर। ओके, अभी आप ये थोड़ा सा आपको फिर से समझना, आप इसको क्वेश्चन को क्लास के बाद देख लेना सर ने क्या बोला, आप थोड़ा ट्राई कर लेना, जैसे पहले वाले जिस बच्चे ने आंसर दिया उसने करेक्ट दिया, उसने इसको थोड़ा समझा है। ठीक है, ठीक है ना, तो जब आपको अगर आपको फिर से डाउट होगा तो मैं नेक्स्ट क्लास में बोल दूंगा ये। ठीक है ना, ओके ओके, शाबाश। ये मैंने होमवर्क दिया था ये क्वेश्चन, जरा ये किसने किया है, शाबाश शाबाश शाबाश, किसने किया ये? वो हैंड रेस करो जिनने किया है, शबा जल्दी जल्दी जल्दी, लेट हो रहा है ना, हमें बहुत पढ़ना है आज। बाकी ने नहीं किया है, चलो मैं करा देता हूं। ठीक है, देखो हमें करना है कन्वर्ट 1 जूल इंटू अर्गस में, है ना, हमें पता है 1 जूल किसके बराबर होता है, 1 × newton meter, जूल होता है न्यूटन मीटर, वही होता है बराबर 1 × newton किसके बराबर होता है, kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय मीटर, तो ये बन गया हमें के 1 × kg मीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर, है ना। अब अगर इसी को मैं कन्वर्ट करूंगा cgs में, cgs सिस्टम में, तो मुझे क्या आएगा, 1 × kg के बदले क्या आएगा मुझे, 10³ ग्राम आएगा ना। हेलो, यस सर, यस सर, मीटर के बदले आएगा 10²² सेंटीमीटर का होल स्क्वायर आएगा ना, सेकंड सेकंड ही रहेगा, सेकंड स्क्वायर, तो ये बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा भाई, 10³ × 3 × 10⁴, क्यों, 10² स्क्वायर, हाँ ग्राम स्क्वायर से वो 4 हो गया, हाँ स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर, इस पोर्शन को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं अर्ग, जिस तरह इस पूरे को बोलते ना जूल, इस तरह इसको बोलते हैं अर्ग, दैट मीन्स 1 जूल किसके बराबर आया, फिर यह बराबर 10⁻⁷ अर्ग। अब आया समझे कैसे किया मैंने, यस सर, गुड। अब हमें क्या पढ़ना है आज, हमें आज पढ़ना है डायमेंशन, जो हमें इम्पोर्टेंट टॉपिक है।
देखो डायमेंशन क्या होता है, डायमेंशन होता है सिंपली मैं बता देता हूँ, डायमेंशन होता है कि अगर हमारे पास कोई डेरिवेटिव क्वांटिटी है, एग्जाम्पल ले लेता हूँ मैं ले लेता हूँ एग्जाम्पल एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन है ना ए, ये किसके बराबर होता है, ये होता है ना वेलोसिटी पर यूनिट टाइम है ना, डेल्टा वी डिवाइड बाय टाइम है ना, कि नहीं, तो वेलोसिटी खुद किसके बराबर होता है, वेलोसिटी खुद किसके बराबर होता है, डिस्प्लेसमेंट ऑन टाइम, डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम, होल डिवाइड बाय टाइम, तो ये बन गया डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम स्क्वायर, आया कि नहीं आया, yes, आया ना, yes, sir. है ना, डिस्प्लेसमेंट कौन सी फिजिकल क्वांटिटी होती है, लेंथ होती है कि नहीं होती है, yes, sir. डिस्प्लेसमेंट भी एक लेंथ ही होती है ना, टाइम तो टाइम ही है, तो अगर मैं आपको बोलूंगा, तो अगर मैं आपको बोलूंगा एक्सेलरेशन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ लेंथ मल्टीप्लाइड बाय टाइम रेज पावर माइनस टू है ना, तो लेंथ रेज पावर वन, लेंथ रेज पावर वन टाइम रेज पावर माइनस टू, ऐसे लिख सकता हूँ ना, लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता, यस सर लिख सकते हैं आप, हाँ, इसी को बोलते हैं डायमेंशन, डायमेंशन क्या बोल रहा है, देखो डायमेंशन बोल रहा है द पावर्स टू विच फंडामेंटल क्वांटिटीज मस्ट बी रेज्ड, यानी अगर हमारे पास एक डिराइव्ड क्वांटिटी है उस डिराइव्ड क्वांटिटी को मैं लिखूंगा इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज, इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज, जो पावर्स मुझे फंडामेंटल क्वांटिटीज को चढ़ाने हैं, किस लिए, इस डिराइव्ड क्वांटिटी को लिखने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए, उन पावर्स को बोलते हैं डायमेंशन ऑफ दैट डिराइव्ड क्वांटिटी, अब आया ये समझ मैंने क्या बोला, yes, sir. मैं फिर से रिपीट करूं, मैंने बोला अगर मेरे पास एक डिराइव्ड क्वांटिटी है, मैं इसको लिखूंगा इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज, तो जो पावर्स मुझे फंडामेंटल क्वांटिटीज को चढ़ाने होंगे उस डिराइव्ड क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए या उस डिराइव्ड क्वांटिटी को लिखने के लिए, ठीक है, उन पावर्स को बोलते हैं डायमेंशंस, उन पावर्स को बोलते हैं डायमेंशन, वही लिखा है मैंने यहाँ पे इंग्लिश में, the powers to which fundamental quantities must be raised in order to express the given physical quantity are called its dimensions, that means agar main aapko bolunga what are the dimensions of acceleration, aap kya likhoge, aap bologe one in length kyunki length ka power kya likha hai, one hai na, minus 2 in time टाइम, जीरो इन मास, मास में कुछ नहीं चढ़ा है ना, मास में लिखा ही है, मत लिखा है, यहां पे मैं अगर ऐसे लिखूं मास रेज पावर जीरो, कोई फर्क पड़ेगा, नो सर, एनीथिंग रेज पावर जीरो हो जाएगा वन, ही बच जाएगा तो वन, तो ये जो मैंने लिखा ना, ये वन इन लेंथ माइनस टू इन टाइम जीरो इन टाइम, इसको बोलते हैं डायमेंशन, क्या बोलते हैं, डायमेंशन, शाबाश, अब अगर मुझे इसी डायमेंशन को रिप्रेजेंट करना है, क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है तो मैं कैसे रिप्रेजेंट करता हूँ इसको, मैं स्क्वायर ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करता हूँ एंड बोल्ड लेटर्स रिप्रेजेंट करता हूँ, बोल्ड लेटर्स, उसका मतलब क्या हो गया, उसका मतलब हो गया कि अगर मुझे लिखना है डायमेंशन ऑफ ए, तो मैंने उनका ऐसे एक्सेलरेशन को किस में लिखा मैंने, स्मॉल ए, हाँ, ब्रैकेट्स में लिखा ना, बोल्ड लेटर्स में, इसको मैं ऐसे लिखूंगा बोल्ड लेटर्स, यानी ब्लॉक M1 M0 L1 T-2, इसको मैंने लिखा स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर, और जो फंडामेंटल क्वांटिटीज है उनको लिखा मैंने बोल्ड लेटर्स से, यानी उनको लिखा मैंने किससे, कैपिटल लेटर्स से, और रेज पावर किया 1 2 3, इसको बोलते हैं, इस साइड को इसको बोलते हैं डायमेंशन फॉर्मूला, क्या बोलते हैं, डायमेंशनल फॉर्मूला, या आप सबको समझ डायमेंशन क्या होता है, यस सर, यस सर, सब जरा मुझे कोई बताओ फोर्स की डायमेंशंस क्या है, फिर मास इक्वल MLT-2 तो मैं ऐसे लिखूंगा M
एल वन एम वन एल वन टी माइनस टू ये लिखूंगा ना यस तो इसको क्या बोलते हैं एम एल टी माइनस टू टू जरा मुझे वेलोसिटी की बताओ इसे सर एल टी माइनस वन शाबाश एल टी माइनस वन शाबाश जरा मुझे जूल की बता फिर यानी वर्क की बजा सर इसी तरह देखो यहाँ पे एक नोट है ये हमेशा याद रखना है ठीक है ये नोट याद रखना क्या कि डायमेंशन जो है ना डायमेंशंस ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी आर यूनिक दैट मीन्स कि अगर एक फिजिकल क्वांटिटी हमारे पास है माइनस फोर्स है इसकी डायमेंशन सेम रहेंगी कभी चेंज नहीं होगी यही डायमेंशन है इसकी एम वन एल वन टी माइनस टू ये रहेंगे हमेशा इसके यूनिक है इसको एक एक फिजिकल क्वांटिटी फोर्स को दो चार डायमेंशन फार्मूला नहीं हो सकती उसके एक ही डायमेंशन फार्मूला होगी चाहे आप कोई भी यूनिट इस्तेमाल करो आप उसका न्यूटन यूनिट लिख लो आप डाइन यूनिट लिख लो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिख लो कोई भी यूनिट लिख लो यूनिट डिफरेंट हो सकता है लेकिन डायमेंशनल फॉर्मूला डिफरेंट है समझ में आ रहा है यस यस सर दूसरा पॉइंट क्या लिख सकता हूं मैं फिजिकल क्वांटिटी मे हैव डिफरेंट यूनिट्स मे हैव डिफरेंट यूनिट्स बट one dimensional formula okay ठीक है yes sir ये हो गया एक पॉइंट ये हो गया दूसरा पॉइंट तीसरा पॉइंट मैं यहां पे लिखूंगा ठीक है नोट क्या नोट है देखो जरूरी नहीं है कि डायमेंशनल फॉर्मूला देखो एक फिजिकल क्वांटिटी की एक यूनिट डायमेंशनल फॉर्मूला होगी लेकिन हाँ दो तीन फिजिकल क्वांटिटी को सेम डायमेंशनल फॉर्मूला हो सकते हैं दो तीन फिजिकल क्वांटिटी देखो जैसे मैं बोलूंगा डायमेंशनल फॉर्मूला वर्क वो बोल दिया आपने डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एनर्जी सेम वही रहेंगी डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ हीट सेम वही रहेगी है ना समझ आ रहा है तो इन डायमेंशनल फॉर्मूला वही है एम वन एल टू टी माइनस टू यानी डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज को सेम डायमेंशनल फॉर्मूला हो सकता है लेकिन एक ही फिजिकल क्वांटिटी को डिफरेंट डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं हो सकते बात आ रही है समझ क्या क्या बोला मैंने जरा बताओ मुझे मेरे साथ रिपीट करो शाबाश शाबाश क्या क्या बोला मैंने हेलो यस सर जरा मेरे साथ रिपीट करो क्या क्या बोला मैंने बोला एक फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशनल फॉर्मूला यूनिक होती है क्या होती है यानी दैट मीन्स एक ही फिजिकल क्वांटिटी को दो चार डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं हो सकते सिर्फ एक ही डायमेंशनल फॉर्मूला होगी ओके बट हाँ दो तीन फिजिकल क्वांटिटी को एक ही डायमेंशनल फॉर्मूला हो सकती है दो तीन फिजिकल क्वांटिटी को एक ही डायमेंशनल फॉर्मूला हो सकती है और क्या बोला मैंने मैंने बोला कि एक फिजिकल क्वांटिटी का क्या हो सकता है डिफरेंट यूनिट्स हो सकते हैं लेकिन डायमेंशनल फॉर्मूला डिफरेंट नहीं हो सकती डायमेंशनल फॉर्मूला एक ही रहेगी ओके जरा मुझे ये बता फिर इस क्वेश्चन का आंसर बता फिर शाबाश 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 कौन सी राइट है शाबाश बता बता हैंड एड्रेस करेंगे सारे जिसका मैं नाम बोलूंगा वही आंसर देगा किसने किया ये जिन्होंने जिन्होंने हैंड किया उनने किया अंजलि कुमारी शाबाश अंजलि कुमारी सर ऑप्शन ए आप बोल रहे हो ऑप्शन ए क्या लग रहा है ये ठीक है जिनने हैंड रेज किया लग रहा है ठीक है नो सर नो सर देखो मैं आंसर बता देता हूँ देखो अंजलि देखो बाकी भी देखो जिनने नहीं किया देखो एट डायमेंशन लेस क्वांटिटी एक हमारे पास डायमेंशन लेस क्वांटिटी है ठीक है डायमेंशन
लेस क्वांटिटी है, लेस क्वांटिटी है। ये क्या बोल रहा है, नेवर हैज अ यूनिट, यानी उसको कभी यूनिट नहीं हो सकता, उसको कभी भी यूनिट नहीं हो सकता। ये गलत है, क्यों गलत है? एग्जाम्पल, एग्जाम्पल एंगल, एंगल किसके बराबर होता है? आर्क डिवाइड बाय रेडियस। आर्क की लेंथ होती है, आर्क की लेंथ होती है ना, रेडियस भी लेंथ होती है, तो लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ डिवाइड बाय लेंथ, तो नो डायमेंशन है ना? यस सर। बट एंगल का तो यूनिट है, एंगल का यूनिट क्या है? रेडियन और डिग्री है कि नहीं? यस सर। अंजलि आया समझ? अंजलि आया समझ? यस सर। तो पहला क्वेश्चन, पहला ऑप्शन गलत है। तो अगर एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है उसको यूनिट हो सकता है, अब बताओ हमेशा यूनिट होगा क्या? हमेशा यूनिट नो सर, हमेशा हो सकता है यूनिट नहीं हो सकता है सर, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि सर यूनिट्स कम ही चांसेस में हो सकते हैं। हाँ शाबाश, मे हैव अ यूनिट, मे हैव अ यूनिट, हाँ हो सकता है, एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी को यूनिट हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। तो ये और ये, हाँ ये गलत है, ये सही है, डू नॉट डज नॉट एग्जिस्ट, ये तो इसको तो छोड़ ही दो, ये अलग दुनिया की बात है, नहीं गलत है, ठीक है। अब आया समझ कौन सी ऑप्शन है इसकी? यस सर। गुड, अब बताओ, अब जो हमें पढ़ना है ये इंपॉर्टेंट पोर्शन है इस सब का, तो इसमें कोई भी इधर उधर नहीं हटना चाहिए, नजर हटी दुर्घटना घटी। तो अब हमें पढ़ना है एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, मतलब क्या है? मतलब ये है कि जो हमने डायमेंशनल पढ़ा, डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, डायमेंशंस कैसे निकालते हैं, डायमेंशनल लिखते कैसे है, डायमेंशंस होते क्या है, पढ़ाना हमने क्या होते हैं डायमेंशंस? शबा जरा बताओ कोई, डायमेंशंस क्या होते हैं? शबा 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 रिपीट करो मेरे साथ, क्या होते हैं डायमेंशंस? डायमेंशन को लिखते कैसे हम, उसको हम स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखते हैं, कैपिटल लेटर्स लिखते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज और उनके ऊपर पावर्स चढ़ते हैं, उसी को बोलते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला। डायमेंशनल क्या होते हैं, एक फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट डायमेंशनल फॉर्मूला होती है, यानी एक फिजिकल क्वांटिटी को दो तीन चार पांच डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं हो सकते, सिर्फ एक ही डायमेंशनल फॉर्मूला होगी। दूसरी बात क्या बोली मैंने, दूसरी बात मैंने बोली कि अगर हमारे पास एक फिजिकल क्वांटिटी है, दो फिजिकल क्वांटिटी है, तीन फिजिकल क्वांटिटी है, उनका सेम डायमेंशनल फॉर्मूला हो सकता है। एग्जाम्पल वर्क है, एनर्जी है, हीट है, उन सब की डायमेंशनल फॉर्मूला सेम है, ठीक है। इसी तरह मैंने बोला ये एक फिजिकल क्वांटिटी को यूनिटलेस हो सकती है, यानी डायमेंशन मतलब सेम, मतलब एक ही फिजिकल क्वांटिटी के दो तीन यूनिट्स हो सकते हैं लेकिन डायमेंशनल फॉर्मूला सेम रहेगी। लाइक फोर्स, फोर्स के दो यूनिट्स है, न्यूटन भी है सीजीएफ में, डाइन भी है, तो दो यूनिट्स है, मगर हम ये भी बोल सकते हैं ना उसकी डायमेंशनल फॉर्मूला सेम है कि नहीं? ये याद रहा सबको, मतलब ये चीजें आपको बिट बाय बिट याद रखना है क्योंकि नीट में सीधे ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, ये देखो खुद ये क्वेश्चन आया था नीट में, ठीक है। अब देखो हमें पढ़ना है एनालिसिस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस की क्या एप्लीकेशन, यानी कहां कहां पे काम आता है। पहला पहला जो इसका एनालिसिस है वो ये है, इट इज टू कन्वर्ट अ फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन टू अनदर। मतलब अगर हमारे पास है, अगर हमारे पास एक फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है, हमें उसकी डायमेंशन पता है, हमारे पास एक फिजिकल क्वांटिटी है, उसकी डायमेंशनल फॉर्मूला हमें पता है, उसकी डायमेंशन हमें पता है, तो हम उसको इजिली फ्रॉम वन सिस्टम ऑफ यूनिट्स टू दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट्स पे कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी उसको हम न्यूटन से, यानी उसको हम एसआई यूनिट से सीजीएस में कन्वर्ट कर सकते हैं, एसआई यूनिट से एफपीएस में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको हम कर सकते हैं एसआई यूनिट से किसी और यूनिट सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं, जो भी हमारे पास सिस्टम दिया हुआ है हम कर सकते हैं, बस हमें डायमेंशनल फॉर्मूला पता होनी चाहिए। या आया सबको समझ? थम्स अप करो सारे चैट में जिसको आया समझ। शाबाश शाबाश शाबाश, जल्दी हेलो हेलो
यस सर आवाज आ रही है ना, मैं क्या बोल रहा हूं, चैट बॉक्स में थम्स अप करो, चैट बॉक्स में दबा। सालोनी को आया है, लव को आया है, हिमांश को आया है, बाकी को नहीं आया? शाबाश। मैं फिर से बोल देता हूं, मैं बोल रहा हूं कि अगर हमें एक फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशनल फॉर्मूला पता होगी तो उस डायमेंशनल फॉर्मूला की मदद से हम उस फिजिकल क्वांटिटी को एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट्स को कन्वर्ट कर सकता हूं इजीली, यही मतलब है। तो इसका मतलब हो गया डायमेंशनल फॉर्मूला हमें इस्तेमाल आती है चेंज सिस्टम यूनिट्स, यानी यूनिट्स ऑफ सिस्टम, यानी सिस्टम ऑफ यूनिट्स चेंज करने के लिए। ओके, अब दूसरा पॉइंट क्या है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो दूसरा एंड तीसरा है। ये दो पॉइंट्स क्या बोलते हैं, देखो दूसरा पॉइंट बोलता है चेक द डायमेंशनल करेक्टनेस ऑफ एन इक्वेशन, एक इक्वेशन को चेक करने के लिए। मान लेता हूं मैं इसका एग्जांपल दे देता हूं, मैं बोलूंगा यहां पे पॉइंट दूसरा है ना, मैं आपको बोलूंगा कोई भी फॉर्मूला बोलूंगा, मैं बोलूंगा आपको एस इज इक्वल टू वी टी स्क्वायर, वी टी स्क्वायर प्लस ए टी प्लस ए टी, वायर एस इज डिस्प्लेसमेंट, वी इज वेलोसिटी, टी इज टाइम, ए इज एक्सेलरेशन, टी इज टाइम। मैं बोलूंगा आपको ये जो इक्वेशन है बताओ ये करेक्ट है या नहीं, करेक्ट है या करेक्ट और नॉट, बताओ। तो आप कैसे करोगे ये चेक, इसको चेक करने के लिए हमारे पास डायमेंशनल एनालिसिस है, ठीक है। अब डायमेंशनल एनालिसिस कैसे हमें मदद करती है, डायमेंशनल एनालिसिस हमें मदद करती है बाय यूजिंग द प्रिंसिपल, यानी होमोजेनिटी प्रिंसिपल। होमोजेनिटी प्रिंसिपल की मदद से हम क्या करते हैं काम, हम ये चेक कर लेते हैं कि कोई फंक्शन डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं। अब ये होमोजेनिटी प्रिंसिपल क्या हो गया, आप बोलोगे सर आपने ये होमोजेनिटी प्रिंसिपल बोला तो ये क्या हो गया, है ना, हमने तो अभी तक सुना ही नहीं है कभी ना, ये क्या हो गया ये होमोजेनिटी प्रिंसिपल। मैं बता देता हूँ, कोई मसला नहीं, होमोजेनिटी प्रिंसिपल होता है ये क्या बोलता है हमें, होमोजेनिटी प्रिंसिपल ये बोलता है हमें कि अगर आपके पास ये बोलता है, हमारे पास ये बोलता है कि इफ वी हैव एन इक्वेशन, मेरे पास एक इक्वेशन है ए इज इक्वल टू बी प्लस सी माइनस डी, है ना, प्लस ई एफ मल्टीप्लाई बाय है एक दूसरे, ठीक है ना, ई एफ। ओके, ये हमारे पास एक इक्वेशन है, जनरल इक्वेशन है, बात आई समझ, ठीक है। तो होमोजेनिटी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग टू होमोजेनिटी प्रिंसिपल क्या, द डायमेंशन ऑफ ए शुड बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ बी, इक्वल टू डायमेंशन ऑफ सी, इक्वल टू डायमेंशन ऑफ डी, इक्वल टू डायमेंशन ऑफ ई मल्टीप्लाइड बाई एम, इन दोनों का, ठीक है। अगर ये कंडीशन ठीक है, ओके, देन इक्वेशन इज करेक्ट, इक्वेशन इज करेक्ट डायमेंशनली। बात आई समझ क्या है, होमोजेनिटी प्रिंसिपल समझ आया सबको, क्या बोल रहा है होमोजेनिटी प्रिंसिपल, बोल रहा है कि अगर हमारे पास कोई इक्वेशन है ए इज इक्वल टू बी प्लस सी माइनस डी प्लस ई एम, तो होमोजेनिटी अकॉर्डिंग जो डायमेंशन, यानी जो ए के डायमेंशन हो, यानी जो लेफ्ट हैंड साइड के डायमेंशन हो, लेफ्ट हैंड साइड के डायमेंशन हो, वही डायमेंशन रहेंगे ईच टर्म ऑन द राइट हैंड साइड, ऑन द राइट हैंड साइड। ओके, एक सेकंड, जस्ट अ सेकंड, सॉरी,
सॉरी देखो क्या बोला मैंने, होमोजेनिटी प्रिंसिपल बोल रहा है कि अगर हमारे पास कोई इक्वेशन है, अगर हमारे पास एक कोई इक्वेशन है तो होमोजेनिटी के प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो डायमेंशन राइट हैंड साइड के, राइट हैंड साइड के यानी जो डायमेंशन लेफ्ट हैंड साइड के, लेफ्ट हैंड साइड कौन सा है ये? इस इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड कौन सा है जरा बता शबाश, इस इक्वेशन को डायमेंशन लेफ्ट प्लस सी वाले हां ये तो राइट हैंड साइड है, ये सारे राइट हैंड साइड है सर, दूसरा बोलता है होमोजेनिटी प्रिंसिपल कि हम दो क्वांटिटी को तभी ऐड कर सकते हैं या तभी सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं जब उनकी डायमेंशन सेम हो, यानी हम सिमिलर क्वांटिटीज आर एडेड और सब्ट्रैक्टेड। समझ आया? यस सर। यानी हम दो सिमिलर क्वांटिटीज ऐड कर सकते हैं सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, हम फोर्स को एक्सेलरेशन के साथ ऐड नहीं कर सकते, हम फोर्स को फोर्स के साथ ही ऐड कर सकते हैं। इस तरह हम वेलोसिटी को वेलोसिटी के साथ ही सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, वेलोसिटी को हम फोर्स के साथ ऐड नहीं कर सकते। बात आई समझ? यही बोल रहा है डायमेंशन होमोजेनिटी प्रिंसिपल। ठीक है तो अब अगर ये प्रिंसिपल आपको समझ में आया, अब बता मुझे ये जो मैंने क्वेश्चन दिया था ये एग्जांपल, अब ये डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं, जरा इसको सॉल्व करके दो। लेफ्ट हैंड साइड के डायमेंशंस क्या है? लेफ्ट हैंड साइड तो डायमेंशन ये डिस्प्लेसमेंट है, तो डायमेंशन ऑफ यस लेंथ हो गई। हाँ लेंथ हो गई। अब राइट हैंड साइड क्या है? नहीं है। हाँ वी इंटू टी से क्या है? जरा डायमेंशन ऑफ टी, हाँ डायमेंशन ऑफ वी टी स्क्वायर बताओ। नो सर, पहले निकालते हैं, थोड़ा सा ट्राई कर लेते हैं, निकाल लेते हैं। डायमेंशन ऑफ वी टी स्क्वायर कैसे बराबर आएंगे? डायमेंशन ऑफ वी मल्टीप्लाई बाय डायमेंशन ऑफ टी स्क्वायर। वी के डायमेंशन क्या है जरा बताओ? एल वन टी माइनस वन मल्टीप्लाई बाय टी स्क्वायर, है ना? तो ये क्या बन जाएगा? एल वन टी वन आएगा ना, आएगा कि नहीं आएगा? तो ये बन गए एल वन टी वन और ये बन गया खाली एल, तो दैट मीन्स ये फॉलो ही नहीं हो रहा है, जो इसके डायमेंशंस है वो इसके है ही नहीं इस पूरे टर्म के, है ना? यस सर, नहीं। तो ये जो हाँ तो ये डायमेंशनली इनकरेक्ट है, तो हमें आया ये सच इनकरेक्ट। क्या है ये? इनकरेक्ट। इसी तरह डायमेंशनली इनकरेक्ट है। हाँ डायमेंशनली इनकरेक्ट है, डायमेंशनली इनकरेक्ट वही। तीसरा पॉइंट क्या है? एज अ रिसर्च टूल टू डिराइव न्यू रिलेशंस, यानी डायमेंशंस की मदद से हम नई इक्वेशन बना सकते हैं। मतलब मैं आपको समझा दूंगा कैसे, आप बताओगे कैसे। मैं आपको ऐसे बोलूंगा मेरे पास फोर्स है। मैं आपको बोला बच्चा फोर्स एक है, मेरे पास फोर्स है, ये डिपेंड कर रहा है बॉडी की मास पे। क्या कर रहा है? बॉडी की मास पे डिपेंड कर रहा है, और ये कर रहा है बॉडी की एक्सेलरेशन पे डिपेंड। ठीक है ना? यस सर। यस सर। ये बॉडी की मास और एक्सेलरेशन पर डिपेंड कर रहा है। अब बताओ क्या फॉर्मूला बन जाएगी? फोर्स एंड मास एंड एक्सेलरेशन, इन दोनों तीनों के दरमियान क्या रिलेशन बनेगी, क्या इक्वेशन बनेगी? ठीक है ना? मैंने क्या बोला? मेरे पास फोर्स है, ये डिपेंड कर रहा है एक तो बॉडी के मास पे और दूसरा बॉडी के एक्सेलरेशन पे। मुझे क्या करना है? अब इन तीनों की इक्वेशन बनानी है, इन तीनों की इक्वेशन बनानी है। मैं क्या करूंगा काम? मैं सेटअप वाइज चलूंगा, आप देख लेना, मैं सेटअप वाइज चलूंगा, याद रखना ऐसे ही करना है। सेटअप पॉइंट मैं पहले एज्यूम करूंगा, क्या करूंगा? एज्यूम एफ जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन है मास रेज्ड पावर ए एक्सेलरेशन रेज्ड पावर बी। ठीक है ना? एक्सेलरेशन रेज्ड पावर बी, ये मैंने एज्यूम किया। अब दूसरा सेटअप क्या करूंगा? दूसरा सेटअप मैं लिखूंगा एफ इज इक्वल टू के एम रेज्ड पावर ए
ए रेज पावर बी, ठीक है, या मैं एम रेज पावर अल्फा ए रेज पावर बीटा लिखूंगा, ऐसे समझ आएगा ज्यादा, ठीक है। ये मैंने एज्यूम किया खुद, मुझे इक्वेशन निकालनी है। के तो डायमेंशन लेस कॉन्स्टेंट है, इसको मैं लिखूंगा डायमेंशन डायमेंशन लेस लेस कॉन्स्टेंट। अब क्या है थर्ड, क्या बोल रहा है थर्ड, देखो थर्ड में क्या करेंगे, मैंने अब जब मैंने इक्वेशन बना ली, मैंने इक्वेशन बना ली, तो होमोजेनिटी प्रिंसिपल क्या बोल रहा है, होमोजेनिटी प्रिंसिपल क्या बोल रहा है, जो डायमेंशन एफ की होनी चाहिए वही डायमेंशन इस पूरी राइट हैंड साइड की होनी चाहिए। दैट मींस डायमेंशन ऑफ एफ शुड बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ एम रेज पावर अल्फा मल्टीप्लाइड बाई ए रेज पावर बीटा, है ना, है कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब फोर्थ स्टेप क्या करूंगा मैं, डायमेंशन ऑफ एफ क्या बराबर है एम वन एल वन टी माइनस टू, माइनस टू, क्या बात। अब m की डायमेंशन क्या है, m1 उसको अल्फा रहेगा ऊपर, m1 मल्टीप्लाई बाय अल्फा तो m अल्फा रहेगा। अब a की डायमेंशन क्या है, a सर lt माइनस टू, lt माइनस टू, सॉरी lt माइनस टू, ऐसे लिख सकता हूँ, हाँ lt माइनस टू रेज पावर बीटा, है ना। जरा इसको ऐसे सॉल्व करो, क्या बन जाएगा ये बन जाएगा पूरा m रेज पावर अल्फा l रेज पावर बीटा t रेज पावर माइनस टू बीटा, है ना, आएगा कि नहीं आएगा? Yes, sir. Yes, sir. सबको समझ में आ रहा है, सबको समझ में आ रहा है? Yes, sir. जरा मैं नाम लूंगा, अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा वो बता दो, शाबाश, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट, मैंने पहले ही बोला ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर आज का लेक्चर, ठीक है। अब बताओ, अब इसके बाद में क्या करूंगा, फिफ्थ स्टेप क्या है, फिफ्थ स्टेप ये फोर्थ फिफ्थ स्टेप हो गया, हाँ, कंपेयर द पावर्स, कंपेयर द पावर्स, दैट मीन्स वन इज इक्वल टू अल्फा, ठीक है, वन इज इक्वल टू बीटा, है ना, एंड माइनस टू इज इक्वल टू माइनस टू बीटा, ये तो ये कैंसिल हो गया, तो बीटा आ गया वन, बीटा आ गया वन, अल्फा आ गया वन, अल्फा आ गया वन, तो इसका मतलब क्या हो गया, सिक्स्थ में लिखूंगा अभी इक्वेशन, इसका मतलब हो गया जो एफ है, एफ इज इक्वल टू के मल्टीप्लाइड बाई एम रेजर पावर वन ए रेजर पावर वन, एम रेजर पावर वन ए रेजर पावर वन। अब ये के क्या है, डायमेंशनलेस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, शाबाश, ये आ गई इक्वेशन। अब आया समझ कैसे हम निकालते हैं इक्वेशन? यस सर, यस सर। जरा बता क्या किया हमने पहले, क्या किया हमने पहले सर, पहले तो हमने अज्यूम किया कि वो जो अज्यूम करा कि वो दोनों इक्वल एक दूसरे के, ये सब चीजें, फिर हम उसको प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट से हम उन दोनों को बराबर कर देंगे, फिर हम ये मानेंगे कि ए और बी और सी उनके पावर्स है उन तीनों चीजों, फिर उसके बाद हम जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के जो पावर्स है उनको कंपेयर करके उनकी, पहले हम डायमेंशन को, पहले हम बोलेंगे लेफ्ट हैंड साइड के डायमेंशन और राइट हैंड साइड के डायमेंशन बराबर है, फिर हम पावर्स को कंपेयर करेंगे, फिर हम पावर्स को कंपेयर, फिर उसके बाद जब पावर निकल जाएगी तब हम पुराने इक्वेशन में पुट करके के की वैल्यू कर सकते हैं। वैसे तो के की वैल्यू हम जब हमें फॉर्मूला पता हो तभी हम रखते हैं, वैसे हम के की गुड गुड गुड, नाइस नाइस नाइस, वेरी नाइस, सबको आया ना समझ, थम्स अप करो चैट में, करो सारे थम्स अप, क्योंकि हमें क्वेश्चंस करने हैं। शाबाश, अब हमें क्वेश्चंस करने, पहला क्वेश्चन, यू गाइस हैव जस्ट 2 मिनट्स टू सॉल्व इट, और मैं नोट करूंगा किस बच्चे ने सबसे पहले आंसर दिया और उनका नाम आएगा लीडर बोर्ड पे, और उसकी वजह से क्या होगा, उसको हार्ड कॉपी मिलेगी मॉडल उसकी। शाबाश, जल्दी जल्दी जल्दी, हमें टाइम हो गया 7:41, हमें 8:30 तक ये सारे क्वेश्चंस कवर करने। मुझे चैट में आंसर चाहिए, जो सबसे पहले चैट में लिखेगा वो बोलेगा।
पूर्वा ग्रोवर, गुड, पूर्वा ग्रोवर इज ने यहाँ पे आंसर बोला सी पूर्वा। सबसे पहले पूर्वा ने बोल दिया। तो बोल रहा है कि अगर हमारे पास लेंथ और फोर्स का जो उनको फोर टाइम्स किया हमने लेंथ एंड, क्या बोल रहा है कि अगर हम यूनिट्स ऑफ लेंथ यानी लेंथ के यूनिट को फोर टाइम्स करेंगे और फोर्स के यूनिट को भी फोर टाइम्स करेंगे, तो फोर टाइम्स इंक्रीज करेंगे तो एनर्जी के यूनिट को क्या पड़ेगा। हमें पता है एनर्जी किसके बराबर होती है, फोर्स, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू लेंथ, है ना, है कि नहीं। अब एनर्जी किसके बराबर आएगी, अगर हमने फोर्स को किया फोर टाइम्स एफ एंड लेंथ को भी किया फोर टाइम्स एल, तो हमें क्या बन जाएगा 16 टाइम्स एफ, है ना। तो ई डैश जो हमें नई एनर्जी आएगी वो आएगी 16 टाइम्स ई, ठीक है। तो हमें जो एनर्जी बन गई वो 16 टाइम्स इंक्रीज हो गई, कितनी टाइम्स इंक्रीज हो गई, 16 टाइम्स। अब बता जरा ये क्वेश्चन करके दो फिर, शाबाश, यू हैव 2 मिनट्स, शाबाश। ये सारे क्वेश्चन आस्कर क्वेश्चन से पूछे हुए क्वेश्चन से, शाबाश 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 शाबाश, गुड। शाबाश, नहीं आया किसी को, 2 मिनट्स, 1 मिनट है, शाबाश। नाउ 3.6, आलिया, आलिया ने आंसर किया यहाँ पे 3.6, तो आलिया यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, आलिया 3.6, हाँ सबसे पहले आलिया ने दिया। चलो कर लेते हैं क्वेश्चन, कर लेते हैं। बोरा कि अगर हमारे पास सीजीएस सिस्टम है, इन सीजीएस द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स, ये तो फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो है 110 डाइन, क्या हो गया 100 ठीक सेंटीमीटर, यानी 100 ग्राम, 1 ग्राम सेकंड स्क्वायर, है ना, सेकंड स्क्वायर। अब क्या बोल रहा है, अब बोल रहा है कि अगर हम इसी इन द सिस्टम इन द अनदर सिस्टम जो फंडामेंटल क्वांटिटीज है वो किलोग्राम है, मीटर है और मिनट है, ठीक है, तो हमें इसको कन्वर्ट करना है न्यू सिस्टम में। तो क्या करेंगे हम, इसको हमें कन्वर्ट करना है, दैट मीन्स 100 सेंटीमीटर ग्राम सेकंड स्क्वायर, इसको हमें कन्वर्ट करना है, ये क्या बन जाएगा 100 मल्टीप्लाई बाय सेंटीमीटर के बदले क्या वोल्ट डालना है, मीटर, हमें पता है ना 1 सेंटीमीटर कितने मीटर होते हैं, 10^-2 मीटर, मल्टीप्लाइड बाय ग्राम के बदले क्या डालना है, किलोग्राम, दैट मीन्स 10^-3 केजी, है ना। अब सेकंड स्क्वायर, सेकंड के बदले डालना है मिनट, तो 1 मिनट कितने सेकंड्स के होता है, 60, तो 1 सेकंड कितने का होगा, 1/60 स्क्वायर, तो ये बन जाएगा हमें 100 मल्टीप्लाइड बाय 10^-5 मीटर केजी
और मल्टीप्लायर क्या आएगा 3600 डिवाइड बाय मिनट स्क्वायर, यही आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? तो ये बन जाएगा 3.6 केजी मीटर पर मिनट का स्क्वायर. 3.6 इज द करेक्ट आंसर. दैट मींस आलिया इज द विनर ऑफ दिस क्वेश्चन. ओके, ओ ये अंशुल ने बोला ए, लोकेश ने बोला ए. कैसे बेटा ए कैसे आएगा? शाबाश, ये आया समझ मैंने कैसे 3.6 निकाला, या मैं फिर से बता दूं? यस सर, एक बार फिर से बता दो. नहीं, अंशुल और लोकेश ना उनको गलत आया, उनको समझ में आया ये कैसे किया मैंने? मैं बोल रहा हूं सर, एक बार फिर से बता दो, समझ नहीं आया मेरी कैलकुलेशन गलत हो रही है. मैं फिर से बता देता हूं, देखो हमें यहां तक ये आपको समझ में आया हंड्रेड डायनस ये किसके बराबर होता है, ये आया समझ? यस सर, ये आ गया. अब देखो सेंटीमीटर के बदले हमें डालना है मीटर. आपको पता है ना एक सेंटीमीटर कितने मीटर्स के होते हैं? 10^-2. गुड. अब हमें ग्राम के बदले डालना है नए यूनिट में केजी. एक ग्राम कितने केजी के होते हैं? 10^-3. इस तरह. अब अगर हमें सेकंड के बदले डालना है मिनट, तो 1 सेकंड कितने मिनट होता है? 1 सेकंड कितने मिनट होते हैं? 1/60 मिनट. 1/60. गुड. अब देखो ये 1/60 ये स्क्वायर है, ये ऊपर चढ़ेगा, ये 60 स्क्वायर बन जाएगा, है ना? यस सर. अब ये 10^-2 एंड 10^-3 कितना बन जाएगा? 10^-5. यस सर. तो यहाँ पे बन जाएगा, देखो ये यहाँ पे बन जाएगा 36, इसके 2 जीरो और इसके 2 जीरो, इसके हो जाएगा सारे कैंसिल, यहाँ पे रहेगा -1, है ना? यस सर. तो ये रहेगा 36 10^-1. 10^-1 क्या हो गया? डिवाइड बाय 10, तो वही आएगा 3.6. यस सर, समझ गया. ओके, अब ये क्वेश्चन करके दो फिर. शाबाश शाबाश शाबाश, यू हैव 2 मिनट्स लेफ्ट. शाबाश, 2 मिनट है सबके पास. शाबाश. हिमांशी ने सी बोला इसका आंसर, सी. हिमांशी, हिमांशी से पहले मोहम्मद आफ्ताब ने बोला है सी, है ना? तो यहाँ पे है आफ्ताब इस क्वेश्चन का, आफ्ताब यानी सूरज. अब क्या बोलता है, इफ द प्रेजेंट यूनिट्स ऑफ लेंथ, यूनिट का लेंथ टाइम एंड मास जो है, उनके यूनिट्स क्या है? मास, सेकंड एंड केजी. ये हमने चेंज किए कहां से? 100 मीटर सेकंड, 100 सेकंड एंड 1 मीटर केजी. देन द न्यू यूनिट्स ऑफ वेलोसिटी इज, हमें वेलोसिटी के यूनिट देखने हैं. वेलोसिटी के यूनिट क्या होता है? लेंथ बाय टाइम, है ना? पहले इसका यूनिट था, मास, पहले इसका यूनिट था मीटर बाय सेकंड, है ना? पहले सिस्टम में इसको मीटर बाय सेकंड था. अब जब हमने इसको चेंज किया, क्या बना दिया? मीटर को हमने 100 मीटर बना दिया और सेकंड को हमने 100 सेकंड बना दिया. तो न्यू यूनिट क्या बन जाएगा? फिर न्यू यूनिट क्या बन जाएगा? 100 मीटर 100 सेकंड 100 वो तो फिर भी 100 मीटर बाय सेकंड रहेगा, तो ये तो गलत है. अब दूसरा, द न्यू यूनिट ऑफ फोर्स इज डिक्रीज बाय दिस.
अब फोर्स का पहला यूनिट क्या था? केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना। अब न्यू यूनिट में क्या होगा? न्यू यूनिट में क्या होगा? न्यू यूनिट में होगा काम फोर्स बन जाएगा, केजी के बदले क्या डालना है, 1 बाई टेन केजी मल्टीप्लाई कर मीटर के बदले डालना है 100 मीटर। ये सबको आ रहा है समझ? सेकंड के बदले डालना है 100 सेकंड का स्क्वायर। ये बन जाएगा ये 10 और ये बन जाएगा 10 केजी मीटर, है ना, डिवाइडेड बाय 10 रेस पावर 4 सेकंड स्क्वायर। तो ये बन जाएगा 1/1000 केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना, 1/1000। तो बी इसका ऑप्शन ठीक है। ये आया समझ? सर आपने 1/1000 कैसे लिखा? सेकंड वाले में आपने 1/1000 कैसे लिखा? देखो केजी का था 1/10, वो तो लिखा ना मैंने, क्योंकि हमें केजी के बदले लिखना है। पहले यूनिट था केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये तो पता ही है ना। मास का एक फोर्स का ना। हेलो, यस सर, फोर्स का यूनिट क्या है? केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना, पर सेकंड स्क्वायर। हाँ, न्यू यूनिट में क्या किया हमने? केजी को 1/10 लिखा, 1/10 केजी, वही मैंने लिखा 1/10 केजी। मास को हमने लिखा 100 केजी, 100 mass, 100 m, वो भी लिखा मैंने 100 m, जैसे यहाँ पे लिखा है ऊपर। अब सेकंड को मैंने लिखा 100 सेकंड, वो भी मैंने लिखा 100 सेकंड, मगर नीचे है ना सेकंड स्क्वायर, तो मुझे यहाँ पे भी सेकंड स्क्वायर लिखना है, 100 सेकंड का स्क्वायर डालना है ना ऊपर। अब आया समझ? यस सर। तो नीचे क्या बन जाएगा? 100 का स्क्वायर तो बन जाएगा 10^4, बनेगा कि नहीं बनेगा, है ना। ऊपर क्या बन जाएगा? 1/10 मल्टीप्लाइड बाय 100, वो बन जाएगा खाली 10, तो ऊपर वाला 10 नीचे वाला 10^4 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो नीचे रहेगा 1/10^3, वही बन गया 1/1000। समझ आया या मैं फिर से बोल दूं? यस सर, आगे समझ। सबको आया समझ? यस सर, आगे समझ। गुड, अब हमें थर्ड वाला है एनर्जी वाला। अब बोल रहा है एनर्जी, जरा बता एनर्जी की यूनिट्स क्या आएंगे? केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, है ना, है ना कि नहीं? यस सर। न्यू यूनिट क्या बन जाएगा? न्यू यूनिट क्या बन जाएगा? न्यू यूनिट बन जाएगा केजी के बदले डालना है 1/10 केजी, है ना। अब मीटर के बदले क्या डालना है? 100 मीटर। अब स्क्वायर है तो पूरे पे स्क्वायर चढ़ेगा, नीचे क्या है 100 सेकंड, इन पूरे का स्क्वायर डालना है, तो ये बन जाएगा 1/10 केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। क्यों? ये 100 और ये 100 कैंसिल हो जाएगा, है कि नहीं? यस सर। अब इसने बोला है 10 टर्म, ये तो गलत है, कैसे बोल दिया आपने? सी आफ्ताब, क्या कर रहा हूँ? ये तो गलत है। फिर अब प्रेशर का देख लेते हैं। शाबाश, प्रेशर किसके बराबर होता है? प्रेशर बताओ सर, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स अपॉन एरिया, हाँ, फोर्स बाय एरिया। तो क्या बन जाएगा इसका यूनिट? केजी पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये बनेगा, बन जाता है कि नहीं बन जाता है? हेलो, यस सर। अब इसका न्यू यूनिट क्या बन जाएगा? केजी के बल दे डालना है 1/kg, 1/10 kg, है ना। अब मीटर के बल दे क्या डालना है सर? 100 मीटर, हाँ, 100 मीटर 10^4 माइनस ऊपर होगा माइनस। अब नीचे सेकंड के बल दे क्या डालना है? 100 सेकंड, तो स्क्वायर क्या बन जाएगा जरा बता, क्या बन जाएगा? सारा केजी पर मीटर, है ना,
डिवाइड बाई के जी का 10। अब ये जो 100, ये तो 10 रहता है माइनस 100 है ना, तो ये भी तो नीचे आ जाएगा 100 मल्टीप्लाइड बाई 100 का स्क्वायर सेकंड स्क्वायर। ये आया समझ कैसे किया मैंने, ये तो सारा नीचे भी आया, ये बन जाएगा। हाँ हाँ बताओ। ये तो 10^7 आया। ये आया समझ कैसे किया? यस सर। तो ये भी गलत है, तो कौन सी ठीक है फिर? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी सर। तो ये किसी को नहीं आया ठीक है ना। चलो जरा ये क्वेश्चन करके दो फिर जल्दी 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 जल्दी। चलो ये छोड़ लेता हूँ मैं, ये होमवर्क है क्योंकि हमें अच्छे क्वेश्चन अभी किए नहीं, ये होमवर्क है ठीक है, ये कर लेना जल्द। अब यहाँ पे आ जाते हैं, ये बेस्ट क्वेश्चन है, ये जेई का 2024 में आया, इसको मैं कर लेता हूँ, मैं आपको दिखा दूंगा कैसे करना है, सब मेरी तरफ ध्यान रखेंगे ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है हमारे पास टू फिजिकल क्वांटिटीज है ए एंड बी, दो फिजिकल क्वांटिटीज हमारे पास ए एंड बी है, करना क्या है रिलेट टू ईच अदर। देखो कैसे लिखा है, ये लिखा है ई इज इक्वल टू बी माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई ए टी है ना, है कि नहीं, ऐसे लिखा है हमें बोला ई जो है ई जो है ई के डायमेंशन एनर्जी के डायमेंशन है, एक्स जो है एक्स के डायमेंशन लेंथ के डायमेंशन है, टी जो है टी के डायमेंशन टाइम के डायमेंशन है, हमें बोलना है डायमेंशन ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाई बी, इसके डायमेंशन क्या आएंगे। हम कैसे करेंगे इसको, देखो कैसे करेंगे, हम इसको ऐसे करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, तो ये बन जाएगा ई ए टी है ना, इज इक्वल टू जी माइनस एक्स स्क्वायर, जी माइनस एक्स स्क्वायर। जरा देखो अब क्या करना है हमें, इसके बाद डायमेंशन ऑफ ई मल्टीप्लाइड बाई ए मल्टीप्लाइड बाई टी, इन तीनों के डायमेंशन किसके बराबर आने चाहिए, डायमेंशन ऑफ बी डायमेंशन ऑफ एक्स स्क्वायर, यही आने चाहिए ना। होमोजेनिटी प्रिंसिपल देखो, होमोजेनिटी प्रिंसिपल यही बोला था ना, होमोजेनिटी प्रिंसिपल ने यस सर, डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड वो क्या आना चाहिए, डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड, और जो भी टर्म्स हमने ऐड या सबट्रैक्ट किए उन दोनों के डायमेंशन क्या आने चाहिए, सेम है कि नहीं। यस सर। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे बी के डायमेंशन और एक्स स्क्वायर के डायमेंशन सेम आने चाहिए, तो इससे हमें क्या पता चला, डायमेंशन ऑफ बी क्या है, वो है लेंथ स्क्वायर, क्यों, क्योंकि एक्स के डायमेंशन लेंथ के, एक्स लेंथ है। सबको आया समझिए, शाबाश। यस सर। सबको आया ना समझ, नहीं मेरे भी जान समझा। यस सर। जिनको समझ में आया वो हैंड रेज करो, जिनको समझ में आया वो हैंड रेज करो, शाबाश। सर एक बार दोबारा रिपीट कर दीजिए। देखो मैंने क्या बोला, ये हमारे पास इक्वेशन दी हुई है, E is equal to B minus X square divided by AT। अब हमें क्या करना है, हमें E के dimensions है, एनर्जी के dimensions, यानी E एनर्जी है, X जो है X length है, T जो है T time है, हमें A and B के dimensions निकालने हैं, ये divide में है, मैंने क्या किया, मैंने इसको multiply किया इसके साथ, मैंने इसको इस form में बना दिया, ठीक है। अब क्या बन गया, ये बन गया लेफ्ट हैंड साइड, ये पूरा बन गया राइट हैंड साइड है ना, ये आया समझ। यस सर। अब जो डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड है वही डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड भी होना चाहिए है ना, है कि नहीं। यस सर। तो डायमेंशन ऑफ दिस होल टर्म, इस पूरे टर्म की जो डायमेंशन है वो इसके डायमेंशन और इसके डायमेंशन के बराबर होने चाहिए है ना, जो होमोजेनिटी प्रिंसिपल बोलता है। तो उससे क्या मिला हमें, डायमेंशन ऑफ बी डायमेंशन ऑफ एक्स स्क्वायर सेम है, तो बी के डायमेंशन एल स्क्वायर के डायमेंशन है, ये आया समझ। अब आया सबको समझ। यस सर। जिन जिनको समझ में आया वो हैंड रेज करो, शाबाश, जिन जिनको समझ में आया वो हैंड रेज करो जल्दी जल्दी, सारे सारे मुझे जल्दी हैंड रेज चाहिए सबका, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बाकी को समझ नहीं आया जिन्होंने हैंड रेज नहीं किया। मुस्कान कुमारी समझ में नहीं आया सर, आ गया तो हैंड रेज क्यों नहीं किया सर, मैंने अपनी तरफ किया। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है,
अच्छा एलेक्स हैंडर्स किया, ठीक है, मतलब सबको आया समझ, है ना। अब हमें किसकी डायमेंशन निकालनी है, ए की डायमेंशन निकालनी है ना। अब देखो डायमेंशन ऑफ ई मल्टीप्लाई बाय डायमेंशन ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय डायमेंशन ऑफ टी, ये किसके बराबर आनी चाहिए, डायमेंशन ऑफ बी के मल्टीप्लाई बाय इज इक्वल डायमेंशन ऑफ एक्स के। अब देखो डायमेंशन ऑफ ई के डायमेंशन क्या है, एम वन एल टू टी माइनस टू डायमेंशन ऑफ ए के पता नहीं है, डायमेंशन ऑफ टी के डायमेंशन ऑफ बी क्या है, एल स्क्वायर एल स्क्वायर। अब ये टर्म भी नीचे जाएगी, ये टर्म भी नीचे जाएगा, तो डायमेंशन ऑफ ए क्या आएगा फिर, एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, है ना। यस सर। और टी आएगा ना, जरा चढ़ा दो आप ऊपर, एम ऊपर चढ़ेगा तो एम माइनस वन बन जाएगा, एल स्क्वायर और एल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, एल जीरो, हाँ तो एल जीरो बन जाएगा, टी माइनस टू और टी वन तो ये बन जाएगा, टी माइनस वन तो ऊपर चढ़ेगा तो टी वन बन जाएगा, प्लस का वन बन जाएगा। हाँ ये सबको आया समझ, यस सर यस सर। बाकी को आया समझिए, सबको समझ में आया, जिस चीज को समझ में आया वो हाथ खड़ा करो जल्दी 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 जल्दी। सर यहाँ पे जो टी है हमने जो नीचे लिया है वो माइनस में आना चाहिए ना, एम एल टू टी माइनस टू और टी माइनस वन, क्यों टी तो यहाँ पॉजिटिव, टी तो पॉजिटिव है ना यहाँ पे, ये तो मल्टीप्लाई है ना। अच्छा। ये तो ऐसे ही नीचे जाएगा। अच्छा। फिर इसको मल्टीप्लाई, अब आया समझिए, यस सर। अब जब ये माइनस वन रहेगा तो ये ऊपर चढ़ेगा, ये वन बन जाएगा, ठीक है। अब ए का भी आया बी का भी आया, शाबाश। अब हमें क्या निकालना है, डायमेंशन ऑफ ए मल्टीप्लाई डायमेंशन ऑफ बी, वो आएगा डायमेंशन ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय डायमेंशन ऑफ बी, है ना। वो आएगा एम एम माइनस वन एल टू टी वन, यही आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, क्यों इसके है एम माइनस वन एल जीरो टी वन, इसके है एल टू, जब ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे ये बन जाएगा। जरा कौन सी ऑप्शन है, एम माइनस वन एल टू टी वन बी, बी किसी ने बोला था आंसर में, किसने बोला था ये, हाँ पूर्वा, तो इस क्वेश्चन का पूर्वा ने आंसर दिया, ठीक है। अब बताओ ये आया सबको समझ, कैसे किया, मैं रिपीट मत करूं। नो सर। आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दो, शाबाश। मैं रिपीट, मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूं, क्या बोल रहा है, एफ फोर्स इज रिप्रेजेंटेड, यानी ये एफ जो है ये फोर्स है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी टी रेज़ पावर वन बाई टू, एक्स डिस्टेंस है एंड टी ये है, हमें ए बी स्क्वायर बाई ए के डायमेंशन निकालने हैं, शाबाश। जल्दी ऐसे ही करना है जैसे मैंने अभी बताया था, वैसे ही करना है, शाबाश। आपके पास दो मिनट सर, नहीं तीन मिनट देता हूं मैं, टाइम आया 8:05 तो आपको 8:07 तक करना है, 8:08। शाबाश शाबाश शाबाश। और इस बार मुझे सारे के आंसर चाहिए, सब लोगों के, जिसको जो आंसर आएगा वो बोल देगा फिर सही है या गलत है, मैं ठीक करा दूंगा।
हो गया। किसने बोला है सबसे पहले? यस सर। श्रिया सिंह। ठीक है, कर लेते हैं ये क्वेश्चन। हमें क्या करना है, डायमेंशंस ऑफ एफ किसके बराबर होने चाहिए? डायमेंशंस ऑफ ए एक्स स्क्वायर के, और वही होने चाहिए बराबर डायमेंशंस ऑफ बी टी रेस पावर 1/2 के, है ना। अब डायमेंशंस ऑफ एफ किसके बराबर है? एम वन एल वन टी माइनस टू, ये आने चाहिए बराबर डायमेंशंस ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय डायमेंशंस ऑफ एक्स स्क्वायर के। तो डायमेंशंस ऑफ ए अगर निकालने हो तो कैसे आएंगे, इसको नीचे कर दो, एम वन एल वन टी माइनस टू डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर के डायमेंशंस आ गए डायमेंशंस ऑफ एल स्क्वायर। तो डायमेंशंस ऑफ ए किसके बराबर आएंगे फिर, एम वन एल माइनस वन टी माइनस टू, है ना। इस तरह अगर डायमेंशंस ऑफ बी निकालने हैं तो एम वन एल वन टी माइनस टू ये आ जाएंगे बराबर डायमेंशंस ऑफ बी मल्टीप्लाई बाय डायमेंशंस ऑफ टी रेज पावर 1/2। इस टी रेज पावर 1/2 को यहाँ पे डिवाइड कर लो तो डायमेंशंस ऑफ बी निकल जाएंगे, क्या निकलेंगे, एम वन एल वन टी माइनस टू माइनस 1/2, तो ये बन जाएंगे एम वन एल वन टी माइनस 5/2। अब हमें बी, हमें क्या निकालना है, डायमेंशंस ऑफ बी स्क्वायर बाई ए। तो डायमेंशंस ऑफ बी स्क्वायर डिवाइड बाय डायमेंशंस ऑफ ए, है कि नहीं। तो डायमेंशंस ऑफ बी स्क्वायर क्या बन जाएंगे, एम टू एल टू टी माइनस 5। ए के डायमेंशंस क्या है, एम वन एल माइनस 1 टी माइनस 2। ठीक है, इसको ऊपर चढ़ा दो। अब M1 है नीचे, M2 है ऊपर, तो ये बन जाएगा M1 ही। अब नीचे माइनस वन है, ये ऊपर बन जाएगी माइनस, प्लस बन जाएगा L3 T माइनस 3। क्या आया, M1 L3 T माइनस 3, M1 L3 T माइनस 3, ये आ गया आंसर। ये पार्ट किसने बोला था, ये पहले, सबसे पहले श्रिया सिंह। समझ आया ये सबको, एलेक्स एंड मोहम्मद अफताब? यस सर। आपको कैसे सी है सर? गलती से टाइप हो गया था, वो ए मैंने टिक कर रखा था पहले। ठीक है, ठीक। अब ये जो क्वेश्चन है ये आपको होमवर्क है, ये बराबर ऐसे ही है, आपको डायमेंशन निकालने हैं, होमोजेनिटी प्रिंसिपल करना है, ये आपको होमवर्क है। ठीक है, ये होमवर्क करके होना चाहिए। जिनको ये होमवर्क क्वेश्चन हुए ना, उनको नीट का क्वेश्चन ऐसे ही करने के बगैर ही हो जाएंगे। अब ये क्वेश्चन जो है ये भी डायमेंशन पर है, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे याद रखना ये a बाई बी स्क्वायर निकालना है। ठीक है, a बाई बी स्क्वायर निकालना है, ये भी आपको होमवर्क है। ओके, अब ये क्वेश्चन जो है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये थर्ड वाली प्रॉपर्टीज पे है, ये मैं दिखा दूंगा। ठीक है ना, अब क्या बोल रहा है, इफ द वेलोसिटी ऑफ लाइट, यानी लाइट की वेलोसिटी c है, यूनिवर्सल गेस कॉन्स्टेंट, यूनिवर्सल गेस ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट g एंड प्लैंक्स कॉन्स्टेंट h आर चूजन एंड फंडामेंटल क्वांटिटीज, ये हमने फंडामेंटल क्वांटिटीज की इस्तेमाल, द डायमेंशन ऑफ मास आर, डायमेंशन ऑफ मास आर इन टर्म्स ऑफ दिस। मैंने क्या बोला था, थर्ड पार्ट क्या करता है हमें, थर्ड पार्ट हमें क्या बोलता है, वो एक इक्वेशन निकाल के देता है ना, निकाल के देता है कि नहीं देता है? शाबाश। हेलो। यस सर। यस सर। तो वही फॉर्मूला हमें यहाँ पे इस्तेमाल करनी है। हम एज्यूम करेंगे मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी रेजर पावर अल्फा, जी रेजर पावर बीटा एंड एच रेजर पावर गामा, है ना। दूसरा स्टेप क्या बोला था मैंने, एम इज इक्वल टू के टाइम्स सी रेजर पावर अल्फा, जी रेजर पावर बीटा एंड एच रेजर पावर गामा, ये बोला था मैंने। अब तीसरा स्टेप क्या है, डायमेंशंस ऑफ मास ये बन जाएगा एम वन एल जीरो टी जीरो, ये किसके बराबर होनी चाहिए,
डायमेंशन ऑन दिस साइड, डायमेंशन ऑफ सी है ना रेज टू पावर अल्फा, डायमेंशन ऑफ जी रेज टू पावर बीटा, डायमेंशन ऑफ एच रेज टू पावर गामा, है कि नहीं? जरा बता डायमेंशन ऑफ सी क्या है, शबाश बताओ ना। पूर्वा ने बोला डी है, चलो डायमेंशन ऑफ एच सी बना मुझे, पहले बताओ सी सी क्या है, एल टी माइनस वन, हाँ एल वन टी माइनस वन। अब सी रेज पावर अल्फा है ना, तो इसको भी अल्फा आ जाएगा, तो ये किसके बराबर आएगा फिर, एल अल्फा टी माइनस अल्फा आएगा कि नहीं आएगा। अच्छा ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट की डायमेंशन क्या है सर, न्यूटन m माइनस वन एल थ्री टी माइनस टू, क्या बोल रहे हो, m माइनस वन एल थ्री टी माइनस टू, गुड गुड गुड, तो बीटा आएगा इसका ऊपर, शाबाश, तो ये बन जाएगा m माइनस बीटा एल थ्री बीटा टी माइनस टू बीटा, यह आया सबको समझ। अब प्लैंक्स कॉन्स्टेंट के क्या डायमेंशन है, शाबाश, एम एल टू टी माइनस वन, एम एल टू टी माइनस वन, शाबाश शाबाश, रेज पावर गामा। अब ये क्या बन जाएगा फिर, एम रेज पावर गामा एल रेज पावर टू गामा टी रेज पावर माइनस गामा, है ना। अब इन तीनों के वैल्यूज यहां पे डाल दो इस इक्वेशन में, है कि नहीं, क्या बन जाएगा जरा, क्या बन जाएगा हमें, हमें बन जाएगा एम वन एल जीरो टी जीरो, ये बन जाएगा बराबर एल अल्फा टी माइनस अल्फा मल्टीप्लाइड बाई ऊपर एम माइनस बीटा एल थ्री बीटा, एम माइनस बीटा एल थ्री बीटा टी माइनस बीटा, ये बनेगा टी माइनस टू बीटा मल्टीप्लाइड बाई, क्या बन जाएगा एम गामा एल टू गामा टी माइनस गामा, एम गामा टी माइनस गामा एल टू गामा, यही है। हाँ तो एल वाली एम वाली सारी टर्म अलग, तो यहां पे क्या बन जाएगा एम माइनस बीटा प्लस गामा, ठीक है, एल अल्फा प्लस थ्री बीटा माइनस नहीं प्लस टू गामा, ठीक है, टी माइनस अल्फा माइनस टू बीटा माइनस गामा, या समझे ऐसे यहाँ पे तक कैसे किया मैंने, यस सर समझ आ गया, यस सर गुड। तो अब क्या करना है हमें, इनको कंपेयर करना है, एल एम वन एल जीरो टी जीरो, तो वन किसके बराबर आएगा माइनस बीटा प्लस गामा आएगा ना, इसको रख लो वन इक्वेशन। अब जीरो किसके बराबर आएगा, बी अल्फा प्लस थ्री बीटा प्लस टू गामा, सेकंड इक्वेशन रख लो। अब इस तरह जीरो किसके बराबर आएगा, माइनस अल्फा माइनस टू बीटा माइनस गामा, इसको थर्ड रख लो, है ना। जरा काम करो, अब क्या करना है हमें, कंपेयर करना है सर, हाँ नहीं अब इन दोनों को ऐड करते हैं, ऐड सेकंड एंड थर्ड, जरा करो इन दोनों को ऐड, क्या बन जाएगा, जीरो इज इक्वल इसको और इसको ऐड करेंगे तो जीरो बन जाएगा, अल्फा अल्फा कैंसिल हो जाएगा, है ना, तो टू थ्री बीटा माइनस टू बीटा, तो बीटा बन जाएगा प्लस गामा बन जाएगा, है कि नहीं, इसको फोर्थ रख लो, या समझ कैसे मैंने किया, यस सर। अब yes. ये और ये सॉल्व कर लो, है ना, तो यहां से क्या निकलेगा, अगर आप थर्ड देखोगे, बीटा इज इक्वल टू माइनस गामा, है ना,
पुट इस इन हियर तो हमें क्या निकलेगा, वन इज इक्वल टू माइनस बीटा है ना, वन इज इक्वल टू माइनस बीटा प्लस गामा के बदले क्या डालना है माइनस गामा बीटा, तो वन इज इक्वल टू माइनस टू बीटा, देन बीटा इज इक्वल टू माइनस वन बाई टू, या समझ, एंड गामा इज इक्वल टू वन बाई टू, यही से आएगा ना, आया समझिए कैसे निकाला मैंने बीटा माइनस वन बाई टू कैसे आया। देखो यहाँ पे है ना माइनस बीटा प्लस गामा, मैंने से यहाँ पे क्या किया बीटा इज इक्वल टू माइनस गामा, तो गामा किसके बराबर आएगा माइनस बीटा, मैं ऐसे लिख दूंगा माइनस बीटा इज इक्वल टू गामा, ऐसे आएगा, इसको ये साइड डाल दिया तो माइनस बीटा आएगा ना गामा के बराबर। हेलो यस सर, इसको पुट किया यहाँ पे तो वहां से आया माइनस बीटा और गामा के बदले माइनस बीटा डाला तो माइनस बीटा ये बन गया माइनस टू बीटा, तो बीटा आया माइनस वन बाई टू, जब बीटा आया माइनस वन बाई टू गामा किसके बराबर है माइनस बीटा के बराबर, तो वो आ गया वन बाई टू, ठीक है ना। अब इन दोनों को पुट करो सेकंड में, ठीक है, इसको कर दो यहाँ पे पुट, तो हमें क्या निकलेगा, हमें निकलेगा जीरो इज इक्वल टू अल्फा माइनस थ्री बाई टू, क्योंकि बीटा है माइनस टू थ्री बाई टू प्लस वन, वन टू इंटू वन बाई टू तो वन आएगा, तो अल्फा किसके बराबर आएगा, अल्फा आएगा बराबर इसको यहाँ कर लो तो थ्री बाई टू माइनस वन, तो यह आएगा वन बाई टू, तो अल्फा भी आया वन बाई टू, आया ना, ठीक है, यह सुन कैसे किया। अब हमने क्या लिया था इक्वेशन, m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू c रेज पावर अल्फा, g रेज पावर बीटा, h रेज पावर गामा, तो क्या आ जाएगा m इज इक्वल टू c रेज पावर अल्फा था ना, अल्फा था वन बाई टू, वन बाई टू जी, बीटा रेज पावर माइनस वन बाई टू, माइनस वन बाई टू, एच रेज पावर वन बाई टू, है ना, ये आ गई इसकी डायमेंशन। जरा देखो कौन सी इक्वेशन है, क्या है सी रेज पावर वन बाई टू, जी रेज पावर माइनस वन बाई टू, एच रेज पावर वन बाई टू, सी रेज पावर वन बाई टू, सी रेज पावर या तो कोई है ही नहीं मत, तो ये वाली है, ये थोड़ा करेक्ट हो गया, ठीक है ना, यह समझ। यस सर, यस सर, आगे बढ़े हम। यस सर, यस सर। अब जो मैं लास्ट पोर्शन है इसका वो है ड्रॉबैक्स ऑफ डायमेंशन एनालिसिस। अब जो ये ड्रॉबैक्स हमने पढ़ा, ये डायमेंशन हमने पढ़ा सारा डायमेंशन एनालिसिस क्या होते हैं, किस काम के आते हैं, तीन टाइप्स है इसके, किस किसके आते हैं, एक तो आता है कन्वर्जन करना, एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट्स के कन्वर्जन करना, दूसरा इक्वेशन को चेक करने में आ जाता है काम, क्या है हम डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन है या नहीं है, थर्ड अगर हमारे पास कोई क्वांटिटी है उसकी हम इक्वेशन निकाल सकते हैं डायमेंशन फॉर्मूला की वजह से, कैसे निकालते वो मैंने दिखा दिया, आया ना, है कि नहीं। यस सर। अब इस डायमेंशन एनालिसिस के ड्रॉबैक्स क्या है, नुकसान क्या है इसके, पहला नुकसान इसका है, पहला जो ड्रॉबैक है वो है ये, More than one physical quantity have same dimensions, ठीक है, तो ये सबसे बड़ा कारण है, तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर मैं आपको यहाँ पे बोल दूंगा m1 l2 t minus 2, बताओ ये किसकी dimensional formula है, जरा बता किसकी है सर, एनर्जी, सर एनर्जी वर्क और टॉर्क की, वो ना यही यही पे हो गया कंफ्यूजन, आधे बोलेंगे एनर्जी, आधे बोलेंगे वर्क की है सर, आधे बोलेंगे टॉर्क की है, हो गया कंफ्यूजन, ये इसका ड्रॉबैक है, ठीक है, तो मतलब अगर आपके पास डायमेंशन फॉर्मूला होगा आप बोल नहीं सकते ये किसकी है, आप फिजिकल क्वांटिटी नहीं बोल सकते, ये हो गया एक कंफ्यूजन। दूसरा कंफ्यूजन क्या है इसका, दूसरा कंफ्यूजन इसका ये है कि डायमेंशन एनालिसिस कैन नॉट यूज टू डिड्यूस द इक्वेशन इफ द डिपेंडेंस इज नॉट इन द प्रोडक्ट एंड डिविजन फॉर्म, मतलब कि अगर मैं आपको बोलूंगा मेरे पास एक फोर्स है, जैसे मैंने पहले बोला था ये मास पे डिपेंड करता है और ये एक्सेलरेशन पे डिपेंड करता है ना, यहाँ पे मास और एक्सेलरेशन जो है ना, फोर्स जो है ना, ये मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन पे था, तो हमने इक्वेशन निकाल दी, बट अगर यही फोर्स
मास प्लस एक्सेलरेशन पर डिपेंड करता है, हम इक्वेशन नहीं निकाल पाते। या अगर यही फोर्स मास माइनस एक्सेलरेशन पर डिपेंड करता तो हम इक्वेशन नहीं निकाल पाते। अब आया समझ? हेलो यस सर। तो हम डायमेंशन एनालिसिस इस्तेमाल करेंगे इक्वेशन निकालने के लिए, मगर तब निकाल सकते हैं जब क्वांटिटीज मल्टीप्लाई हो, अगर वो एडिशन में हो या सब्ट्रैक्शन में हो तब निकाल सकते हैं, ठीक है। और तीसरा पॉइंट क्या है, जो डायमेंशनल लेस कॉन्स्टेंट्स है कैन नॉट बी डिड्यूस्ड। हाँ हमें पता है के का वैल्यू हम नहीं निकाल पाए ना, याद है ना, हमने यहाँ पे मत निकाल पाया के का वैल्यू, जैसे यहाँ पे मैंने आपको दिखाया था ये के इसका वैल्यू हम मत निकाल पाए, के का वैल्यू क्या था, क्योंकि डायमेंशन लेस कॉन्स्टेंट था, इसका वैल्यू हम नहीं निकाल सकते डायमेंशन फॉर्मूला इस्तेमाल करके, ठीक है, ठीक है ना। हेलो यस सर इफ एन इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट, जो सबसे लूज है इसका, जो इसका ड्रॉबैक है, अगर एक इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है दैट डजंट मीन कि वो एक्चुअली भी करेक्ट है, उसका मतलब ये नहीं कि वो एक्चुअली भी करेक्ट है। हाँ डायमेंशनली करेक्ट है बट एक्चुअली करेक्ट नहीं भी हो सकती है, ठीक है, ये इसका चौथा ड्रॉबैक। ओके सर। यस सर। तो हम समराइज करेंगे हमने क्या क्या पढ़ा, क्या क्या पढ़ा हमने आज, शबा जल्दी जल्दी बोलो क्या क्या पढ़ा। सर सबसे पहले हमने डायमेंशनल एनालिसिस करे थे। हाँ हमने सबसे पहले पढ़ा हमने डायमेंशंस क्या होता है, डायमेंशन की इंट्रोडक्शन पढ़ी, फिर उसके बाद सर हमने क्वेश्चन सॉल्व किए। दोबारा भी देखोगे ना तो कोई मसला नहीं है, लेकिन इसके जो क्वेश्चन मैंने दिखाए ये सारे होने चाहिए, जो मैंने होमवर्क के ये क्वेश्चन दिए ये भी सारे होने चाहिए। अगर आपको ये सारे क्वेश्चन हो गए, आप मान लो आपको नीट का क्वेश्चन कोई भी हो सकता है, आप कोई भी क्वेश्चन नीट का कर सकते हैं, ठीक है। ओके एक क्वेश्चन। ओके सर। हाँ बता। हाँ बता। होमवर्क ग्रुप में सेंड होंगे। हाँ होमवर्क हम ग्रुप में सेंड करेंगे, मैं ये पीडीएफ ही ग्रुप में सेंड कर देता हूँ, ठीक है। ओके सर। ओके सर। हमें कहाँ पे सेंड करना है, आपके नंबर पे या फिर ग्रुप पे? ग्रुप पे ही सेंड करना है। ओके सर। चलो बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर। सर।